आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो पैदल मार्ग पर आपको दर्जनों खाद्य सामग्रियां नहीं मिलने वाली जिनका आप शौक रखते हैं, क्योंकि इन्हें बैन कर दिया गया है। जी हां, अमरनाथ यात्रा के दौरान सेवा भाव के चलते तीर्थयात्रियों को भोजन कराने, खाद्य सामग्री वितरित करने या लंगर लगाने वालों के लिए श्राइन बोर्ड ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में जंक फूड, फास्ट फूड पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब यात्रा के दौरान आपको फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ऐसी दर्जनों चीज़ों पर अब पाबंदी लगा दी गई है। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटियों को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीज़ें ही दी जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय पर लिए गए इस फैसले में बताया गया है कि हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत को ठीक रखेगा। अगर उनका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा तो उन्हें यात्रा में परेशानी नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। मांसाहार, शराब, तंबाकू, गुटखे पर पहले से पाबंदी थी, लेकिन इस बार पुलाव, फ्राइड राइस, पूरी, भटूरा, पिज्जा, बर्गर, तले पराठे, डोसा, तली हुई रोटियां, ब्रेड बटर, अचार, चटनी, पापड़, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, हलवा, जलेबी, चिप्स, मट्टी, नमकीन, पकौड़ा, समोसा और हर तरह की डीप फ्राइड चीज़ों को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान देश भर से 120 समाजसेवी संस्थाएं यात्रा मार्ग पर लंगर लगाएंगी। इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।